जिंदगी दो और जान एक, अपने सांसों से भी ज्यादा प्यार करती थी वो उससे, उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी वो। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, इस रिश्ते में आखिरकार ऐसी खटास आई तो कैसे? घर की बात घर में ना रहकर पहले पुलिस थाने पहुंची, उसके बाद कोर्ट तक पहुंच गई, यानी इंसाफ की देवी के दहलीज पर पहुंच गई थी उसकी दास्तां। लेकिन क्या हकीकत में उसकी जिंदगी को दहेज के दानों ने नोच नोच कर खा दिया, या फिर उसके दगाबाज शोहर ने? फैसला लिया गया कि हम सच्चाई जाने बिना पीछे नहीं हटेंगे। हमने रुक किया जिला कुल्लू, तहसील आनी, पंचायत लोट, गांव दुरा और गोरा गांव का। दरअसल बाग पंचायत की महिला प्रधान नर्मदा के घर जो घरेलू नौकर बनकर काम कर रही है, आरोप है उसी लड़की के साथ जसपाल ने ये कहकर शादी रचाई कि वो तलाकशुदा है। सुनी से करीब 100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। हम जानना चाहते थे कि इसमें सच्चाई आखिर है तो कितनी। हमने ऊना के पिता से बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस हमारे सवाल का जवाब हमें गोलमोल ही मिला। यही नहीं, जब हमने उन्हें पूरी हकीकत बताई तो सच उनकी जुबान पर कुछ इस तरह आ गया। शादी की थी यहाँ से भी, तब उसी सीधी बात है, जब कोई अपनी मर्जी जाता बेटा बेटी को कोई जो खुद निपटो, हमने तो कुछ नहीं किया। ना जाने क्यों एक पिता हमारे कैमरे पर सरासर झूठ तो जरूर बोल रहे थे, लेकिन सच फिर भी उनकी जुबान पर आ ही गया। सुनिए, आपको सच समझते देर नहीं लगेगी। ये कहा गया कि उनके बेटे का तलाक हो चुका है और तलाक अभी तक नहीं हुआ है, कैसे हकीकत? तो खुद निपटेगा और देगा उसको, चाहे जमीन देगा चाहे पैसा देगा वकील देगा, जो जो करे से भरे, हमारे मतलब नहीं है। जी जी, जो करे तो भरे ना, हमने कुछ किया? अभी वहाँ करो छानबीन। पूरी कहानी हमारे मानसिक पटल पर अच्छी तरह बैठ चुकी थी। हमें एक पिता गुमराह तो नहीं कर रहे थे। समय था उस लड़की के माँ से मिलने का, जिनसे हमें उम्मीद थी कि वो शायद अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय के बारे में कुछ खुलकर बोल पाएगी। किसी तरह सिटी चैनल के अंडरकवर रिपोर्टर लड़की के माँ के पास भी पहुँच चुके थे। तो मेरे ख्याल आपने भी आंदर होना, मैं करूंगी भी आंदर। तो कहाँ है वो उन्ना की शादी कहाँ हुई? मेरे ख्याल आपने भी आंदर होना, मैं करूंगी भी आंदर। हमें किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी जिस अंदाज में हमें मिली, इससे हम इस नतीजे में तो पहुंच ही गए थे कि यहाँ हमें कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। ना जाने क्यों एक माँ भी झूठ का सहारा ले रही थी। इस झूठ की सच वजह क्या थी ये भी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी हम बहुत कुछ जानना चाहते थे। हर बात हमारे कैमरे में कैद हो रही थी, हमारी निराशगी बढ़ रही थी। आखिर ऊना के घरवाले सच क्यों नहीं बोल रहे थे? उनकी कोई मजबूरी है या फिर उन्हें मजबूर किया गया है? आखिर उन पर दबाव किसका है? अचानक हमारा सामना लोट पंचायत के ही वार्ड मेंबर से हुआ। वार्ड मेंबर साहब नाना करते हुए बहुत कुछ कह चुके थे और जो उन्होंने कहा वो एक माता पिता के झूठ से पर्दा उठाने के लिए काफी था। बोल दिया था हमने उसको, बताया था, समझाया तो उसका फीस चला ऐसे है, अगर नहीं की ना शादी तो टाइम से घर आती थी। पर पहले उसको भी पता था, खुद भी पता था कि उसकी डेयरी जो एक पंचायत के वार्ड मेंबर ने ऊना के परिवार वालों को ये सलाह जरूर दी थी कि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह वहाँ क्यों कराया जो पहले से शादीशुदा है। एक बार फिर से सुनिए ताकि आपके कानों को भी
अच्छी तरह यकीन हो जाए। बोल दिया था हमने उसको, बताया था समझाए तो उसका फीस चला ऐसे है, अगर नहीं की ना शादी तो टाइम से घर आती थी। पर पहले उसको भी पता था, खुद भी पता था कि उसकी मैरिज हुई। करीब दो दिन की जांच में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर इस नतीजे में जरूर पहुंच चुके थे कि सच को छिपाया जा रहा है, लेकिन वजह क्या है ये जानना अभी बाकी था। क्या सच में हमारा मिशन इतना आसान था? नहीं, आगे हमारा मुकाबला उन लोगों से होने वाला था जो किसी भी कीमत पर सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहते थे। बताएंगे आपको आगे। तहकीकात के लिए कैमरा पर्सन विक्रम राजेंद्र काली के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। ये बात हम अच्छी तरह जानते थे कि जिस मिशन की तरफ हमारे पांव बढ़ रहे हैं उस मिशन में हर कदम पर खतरा है, हर मोड़ पर कोई ना कोई जाल बिछाकर जरूर बैठा होगा। फिर उन्होंने ऐसा समझ कैसे लिया कि वो हमें धमकाएंगे, वो हमें छूटा फंसाने की कोशिश करेंगे और हम पीछे हट जाएंगे। जो कदम सच दिखाने के लिए उठे हो उन्होंने कभी पीछे मुड़ना नहीं सीखा। तारीख 5 अगस्त 2013, समय शाम 7:19। हमें अंदेशा हो चुका था कि हमारी टीम पर हमला हो सकता है, कुछ लोग हमारी गाड़ी का भी पीछा कर रहे थे। फोन कर दिया, मिलेंगे वो आपको रास्ते में, मिल जाएंगे वो अभी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, मिल जाएंगे वो आपको, आपको पता लग जाएगा अभी एक आधे घंटे के बाद। ठीक है जी, आप धमकी दे रहे हैं मैडम आप में ना। अगर आप उस टाइम यहाँ होते ना, पता नहीं आपका क्या हो रहा था, ये भी मैं बोल देती हूँ आपको। आप धमका तो नहीं रहे मुझे कहीं? जिसे हम महज एक धमकी मानकर चल रहे थे, असल में वो बानगी भर थी। अंजाम तो अभी आगे बाकी था। जगह गांव शानी, लूरी पुलिस चौकी से करीब 25 किलोमीटर दूर, रात करीब 8 बजे। जिस अंदाज में हमें संदीपा ने धमकाया था ठीक वैसे ही हमारे साथ हुआ भी। हमारी गाड़ी के आगे एक ट्रक को खड़ा कर दिया गया। ट्रक में सवार करीब 5 लोगों ने हमें गाड़ी समेत बाहर नदी में फेंकने की धमकी दी, तो वहीं हमें 1 घंटे तक रास्ते में रोक कर रखा गया। पुलिस को भी हमने एक बार ये सूचना दी, लेकिन पुलिस ने हमें लगे हाथ अपनी कई मजबूरियां जाहिर कर दी। किसी तरह हम वहां से बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन अभी कुछ और होना हमारे साथ बाकी था। रात के समय लूही जाना जोखिम भरा जैसा था, तभी हमने शानी में ही रुकने का फैसला लिया। समय रात करीब 10 बजे। जिस घर में हम रुके थे उस घर को घेर लिया गया। हमारी गाड़ी तलाशने में संदीपा का पति देवेंद्र, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है, वो कामयाब रहा। सारी रात हमें, साथ ही जिस घर में हम रुके थे उसके मालिक को भी धमकाया गया। पुलिस के फोन पर दखल अंदाजी के बाद देवेंद्र ने मौके से भाग निकलने में ही अपनी समझदारी समझी। हमारी तरफ से पुलिस चौकी सुन्नी में कोई भी मामला दर्ज नहीं करवाया गया। ऐसा करने से हमें लगता है कि हम अपनी मिशन से भटक जरूर सकते थे। अब हमने फैसला लिया ऊना के परिवार वालों के उन दावों की पोल खोलने का जो उनकी तरफ से हमारे कैमरे पर किए गए थे। क्या आगे हमने सही रास्ता चुना? इंतजार कीजिए, आने वाले चंद मिनटों का खुलासा भी बाकी है। तहकीकात के लिए कैमरा पर्सन विक्रम राजेंद्र काली के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तहकीकात में समय एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे
तो आपको ये जरूर बताएंगे आखिर किस तरह तीसरी आंख के सामने सच बोलने लगे कई चेहरे। ब्रेक के बाद, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा।